नोरसेट 2020 पेपर सॉल्यूशन टॉपिक FON पार्ट 4 समझने की कोशिश करना। नोरसेट 2020 का पेपर है जिसमें उसका हम सॉल्यूशन कर रहे हैं और टॉपिक अपना क्या है, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग। सो हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होने वाला है। ये आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यूज व्हेन वांट केयरिंग टू ए एमआरएसए पेशेंट। सबसे पहले तो इसने बोला पीपीई, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट में एक नर्स क्या क्या पहनेगी जब वो केयर कर रही है वुंड की। किसकी केयर कर रही है, वुंड की केयर कर रही है, और वुंड किसका है, वो एमआरएसए का पेशेंट है, एमआरएसए पॉजिटिव पेशेंट है। सर एमआरएसए क्या होता है पहले तो ये समझना है। एमआरएसए होता है मेथिसिलिन मेथिसिलिन रेजिस्टेंट, मेथिसिलिन रेजिस्टेंट रेजिस्टेंट स्ट्रेप्टोकोकस स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस। ठीक है, एमआरएसए की फुल फॉर्म क्या है, यदि एग्जाम में पूछता है एमआरएसए व्हाट इज एमआरएसए या फुल फॉर्म ऑफ एमआरएसए, तो बोल देना होगा मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस, इसका फुल फॉर्म होगा। और मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस का यदि केयर कर रहे हैं तो क्या करेंगे, ये कहीं ना कहीं अपने को टच होगा तो फैल सकता है, मतलब अपने कॉन्टेक्ट डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आने से फैलता है। इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कहीं रेस्पिरेटरी तो इन्वॉल्व नहीं होगा, मास्क की जरूरत तो होगी नहीं। ठीक है, मैं तो ये बोलूंगा वुंड की केयर कर रहे हैं और एमआरएसए का पेशेंट है, रेस्पिरेटरी इन्वॉल्व होगा नहीं इसमें, टीबी का कोई पेशेंट है नहीं, स्वाइन फ्लू का कोई पेशेंट है नहीं, कोविड का कोई पेशेंट है नहीं। इसका मतलब कहीं ना कहीं मैं बोल सकता हूँ इसमें तो ग्लव्स पहनने हैं, और कहीं नहीं वुंड की केयर करेंगे, घाव की केयर करेंगे तो ब्लड या पस लग सकता है, तो अपन क्या करेंगे वहां पे क्या कर सकते हैं, गाउन पहन सकते हैं। तो ऑप्शन आएगा क्या, मास्क नहीं आएगा, रेस्पिरेटरी इन्वॉल्व नहीं है इसमें, ग्लव्स गाउन मास्क, मास्क की जरूरत नहीं है उसमें, ग्लव्स और गाउन, ग्लव्स और गाउन, मतलब यहाँ पे ऑप्शन कौन सा करेक्ट होने वाला है, ऑप्शन करेक्ट होगा कौन सा, ग्लव्स और गाउन। ठीक है, तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, सी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ सर, हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं यहाँ पे, सी ऑप्शन इसमें तो करेक्ट होने वाला है कि ग्लव्स और गाउन पहनेंगे, मीन्स ब्लड और वुंड अपने नहीं लग जाए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, ग्लव्स और गाउन पहनेंगे। क्लियर, तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ग्लव्स और गाउन। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए पेशेंट इज अराइविंग इन इमरजेंसी डिपार्टमेंट आफ्टर सीवियर हेमरेज, सिस्टर इंचार्ज कॉल्ड नर्स सिस्टर टू कैनुलेशन क्विकली इन द फॉलोइंग कैनुला विच विल प्रोवाइड हाईएस्ट अमाउंट ऑफ फ्लूड टू प्रिवेंट शॉक। ध्यान से सुनना, पहले क्वेश्चन को समझेंगे, क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा तो आंसर भी समझ में नहीं आएगा। एक पेशेंट आता है इमरजेंसी डिपार्टमेंट में और वहां पे सीवियर हेमरेज उसको है, क्या है बेटा, सीवियर हेमरेज है उसको, उसको तो सीवियर हेमरेज है, और सीवियर हेमरेज जब जब होता है वहां पे फ्लूड की कमी होगी, ब्लड की कमी होगी, पेशेंट हाइपोवोलेमिया में जाएगा, जल्दी से फ्लूड देना है, फास्ट फ्लूड देना है, और फास्ट फ्लूड देना है तो आगे पढ़ते हैं क्या करेंगे। हेमरेज का पेशेंट है तो आप समझ लो हाइपोवोलेमिया में जा रहा है पेशेंट, हाइपोवोलेमिया में पेशेंट जा रहा है, बात को समझने की कोशिश करना। अब हाइपोवोलेमिया में जा रहा है तो सिस्टर इंचार्ज टोल्ड एक नर्सिंग सिस्टर को कहती है कि कैनुलेशन करना है फटाफट, क्विकली कैनुलेशन करना है, मतलब फटाफट उसको कैनुला लगाना है, किसको, पेशेंट को। इन द फॉलोइंग कैनुला विच विल प्रोवाइड हाईएस्ट अमाउंट ऑफ फ्लूड टू प्रिवेंट शॉक, मतलब वहां पे बहुत सारे कैनुला आपके पास में,
कौन सा 14 नंबर का हो सकता है, 16, 18, 20, 22, 24, 26, बहुत सारे कैनुलाज की वैरायटी आपके पास में है, तो सर वहां पे हाईएस्ट प्रायोरिटी किस नंबर के, किस गेज नंबर के कैनुलों को देनी है कि उस पेशेंट को प्रिवेंट कर सकती है किससे, शॉक से। कौन सा शॉक है उसको, हाइपोवोलेमिक शॉक है उसको, पहले ही बोल दिया सर उसको क्या हो रही है, ब्लीडिंग। और ब्लीडिंग जब जब होती है तो पेशेंट किस में जाता है, हाइपोवोलेमिक शॉक में जाता है, और जब जब हाइपोवोलेमिक शॉक में जाएगा तो उसको क्या देना है, आईवी थेरेपी देनी है। और आईवी थेरेपी देंगे तो हम कैनुलों का जो गेज होगा वो बड़ा काम में लेंगे, मींस कौन सा गेज होगा, 22 गेज, 20 गेज, 18 गेज, 16 गेज। जैसे जैसे नंबर बढ़ता है वैसे वैसे कैनुले का जो डायमीटर होता है, लुमेन होता है, वो छोटा होता है। जैसे इसका जो 22 गेज का जो कैनुला है उसका डायमीटर बिल्कुल छोटा सा है, और जैसे जैसे नंबरिंग कम होती है वैसे वैसे ये गोज का साइज ये बढ़ता जाता है, डायमीटर या लूमन बढ़ता जाता है। तो बात सीधी सी है कि सर फ्लूड जल्दी देना है, फास्ट देना है, हाइपोवोलेमिक शॉक पेशेंट को हो रहा है, तो ये बेस्ट रहेगा या ये बेस्ट रहेगा, सर ये तो बड़ा पाइप चाहिए और बड़े पाइप से वो पानी जल्दी जाएगा और जल्दी पेशेंट को देना है, शॉक हो रहा है तो बड़ा पाइप चाहिए, तो सर हम तो 16 गेज का काम में लेंगे, 16 गेज का काम में लेंगे। तो यहां पे डी ऑप्शन अपना क्या होने वाला है, करेक्ट होने वाला है। डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन कि सर वहां पे 16 गेज का कैनुला काम में लेंगे, जिसका जो डायमीटर हो बड़ा होगा, मतलब सिंपल भाषा में बोल सकता हूं उसकी पाइप ही बड़ा पाइप होगा, और बड़े पाइप से पानी या आईवी थेरेपी जल्दी फास्ट जाएगी, रैपिड इन्फ्यूजन होगा, और रैपिड इन्फ्यूजन होगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा पेशेंट का, और वॉल्यूम बढ़ेगा तो हाइपोवोलेमिया ठीक हो जाएगा और पेशेंट को प्रिवेंट कर सकते हैं, किससे प्रिवेंट कर सकते हैं, शॉक से। यही तो बोला ना क्वेश्चन में कि प्रिवेंट, शॉक से प्रिवेंट करना है, तो शॉक से 16 गेज का कैनुला लगा के पेशेंट को शॉक से प्रिवेंट कर सकते हैं। आई होप सो आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच एनाटोमिकल प्लेन शोविंग इन द पिक्चर, मतलब ये आपके सामने एक डायग्राम दिया हुआ है, आपके सामने एक डायग्राम दिया हुआ है और इसमें बोल रहा है कि एक पेशेंट को बीच में से एक दीवार खींच दे, ठीक है, यहां से बीच में से एक दीवार खींच दी ऐसे मानो, तो मतलब ये कौन सा प्लेन है, क्या ये ट्रांसवर्स प्लेन है, ये सेजाइटल प्लेन है, या ओब्लिक प्लेन, कौन सा प्लेन हो सकता है, क्या ये ट्रांसवर्स प्लेन है। ट्रांसवर्स तो सर कैसे होता है, ऐसे होता है, शायद आगे इमेज है मैं दिखाने की कोशिश करूंगा आगे, क्या सेजाइटल प्लेन हो सकता है, क्या कोरोनल प्लेन हो सकता है, क्या फ्रंटल प्लेन हो सकता है, कौन सा प्लेन होगा। एक ही इंसान है, एक ही ह्यूमन है, उसको बीच में से ऐसे काट दो आप, ऐसे बीच में से काट देंगे, बीच में से काट देंगे तो बोल देना कौन सा है, सेजाइटल प्लेन है, कौन सा प्लेन है सेजाइटल, तो यहां पे बी ऑप्शन में सेजाइटल लिखा हुआ है तो अपना बी ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। बी ऑप्शन क्या होने वाला है, करेक्ट होने वाला है। सर सेजाइटल प्लेन क्यों बोलते हैं इसको, आपको पता होगा सेजाइटल सूचर होता है, तो उस सूचर से ही नाम पड़ा है सेजाइटल सेक्शन का, ठीक है, तो इसको सेजाइटल प्लेन बोलते हैं, जब पेशेंट के बीच में एक लाइन खींच दे तो सेजाइटल सेक्शन या सेजाइटल प्लेन बोल के चलेंगे, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, सेजाइटल प्लेन। क्लियर, यहां पे इमेज आपको दिखाई देगी, ये आपके सामने देखो कोरोनल प्लेन ये होगा, कोरोनल सूचर से नाम पड़ा, यदि ऐसे लाइन है ट्रांसवर्स तो उसको ट्रांसवर्स प्लेन बोलेंगे, और यदि बीच में ऐसे काटा हुआ है तो इसको बोलेंगे कौन सा, सेजाइटल प्लेन। तो तीनों पॉइंट याद रखना, सेजाइटल प्लेन, ट्रांसवर्स प्लेन, कोरोनल प्लेन। कोरोनल सूचर से यहां पे हो रहा है इसका मतलब कोरोनल प्लेन, ट्रांसवर्स है तो ट्रांसवर्स प्लेन, और सेजाइटल ये सेजाइटल प्लेन। क्लियर, तो आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, आइडेंटिफाई दे आइटम इन बिलो डिनोट इमेज, मतलब सिंपल सी बात यह है कि आपके सामने एक इमेज दिया हुआ है और इमेज दिया हुआ उसमें यही पूछ रहा है कि ये किस चीज की इमेज है, ठीक है, ये आपके सामने इमेज है वो किस चीज की इमेज है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, तो ये कौन सा इमेज है ध्यान से देखो। सर हमारे को तो ये ट्रेकिस्टोमी ट्यूब लग रही है, और ट्रेकिस्टोमी ट्यूब में भी यहां पे कफ है या नहीं है, सर ये कफ भी है, इसका मतलब ऑप्शन में कफ्ड तो बोलेंगे, ईटी ट्यूब तो नहीं है सर, ये तो टीटी ट्यूब है, अनकफ्ड ईटी ट्यूब, सर ईटी ट्यूब तो नहीं है,
सर ये कफ्ड ट्रेकिस्टोमी ट्यूब, ठीक है, इसका मतलब सी ऑप्शन करेक्ट होगा कि सर ये ट्रेकिस्टोमी ट्यूब है और उसके कफ भी है। यदि ये बैलून नहीं होता, ये कफ नहीं होता, ये डायरेक्ट ऐसा होता तो उसको क्या बोलते हैं हम, अनकफ्ड ट्रेकिस्टोमी ट्यूब। लेकिन इसके तो कफ है, इसके तो बैलून है, इसमें तो 5 to 10 ml एयर पुश कर सकते हैं, भर सकते हैं, जिससे कि प्रॉपर पोजिशनिंग बनी रहेगी, टाइडल वॉल्यूम मेंटेन रहेगी, एस्पिरेशन से बच सकता है, बैक्टीरियल वायरल इंफेक्शन कोई भी इंफेक्शन से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जो वॉल्यूम टाइडल वॉल्यूम डिलीवर होती है वेंटी के द्वारा, वो रिवर्स बैक फ्लो नहीं होगी। तो बहुत सारे इसके फायदे होंगे किसके, कफ के। तो ये कफ डी ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब होगी, तो अपना ऑप्शन सी ऑप्शन करेक्ट है, कफ डी ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब। क्लियर, सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट इसका इमेज ही देखेंगे। हाँ, ये इसके पार्ट से कुछ इमेज दिखाई दे रही है, ये क्या क्या पार्ट्स हैं, कैसी होती है। देखो ये तो कनेक्टर होगा, इसके ऊपर कनेक्ट हो जाएगा वेंटी सर्किट, ठीक है। वेंटी सर्किट कनेक्ट कर सकते हैं, वेन्स कनेक्ट कर सकते हैं, बाईपेप मशीन का कनेक्टर सेट कर सकते हैं, कोई भी डिवाइस यहां पे सेट कर सकते हैं, या फिर मैं बोल सकता हूं कि थर्मोवेंट सेट कर सकते हैं, ठीक है। रूम एयर पे पेशेंट ट्रेकेस्टोमी पे होगा तो थर्मोवेंट भी सेट कर सकते हैं, बहुत सारी डिवाइस यहाँ पे सेट हो सकती है। तो इसका नाम तो हम क्या बोलेंगे, कनेक्टर बोलेंगे, इसको तो हम क्या बोलेंगे, कनेक्टर। ये कनेक्टर है, कनेक्ट कर सकते हैं, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट, ये आपके सामने दिया हुआ है कुछ ही, मैं बोल सकता हूं इसको डोरी बोल सकता हूं, स्ट्रिप बोल सकता हूं, ये है स्ट्रिप। अब ये स्ट्रिप क्या काम करेगी, सर पेशेंट को लगा दिया, पेशेंट के ट्यूब डाल दी तो बाहर निकल सकती है ना कभी भी, तो इसको बांध के रखेंगे, तो बांध के रखने के लिए स्ट्रिप दिया हुआ है, साथ में स्ट्रिप होगा। ये क्या है सर, ये पायलट बटन है, ये पायलट ही बटन है, ये पायलट बटन है। सर ये पायलट बटन का क्या काम है, पायलट बटन से सर हम क्या करते हैं, यहाँ पे एयर भरते हैं, क्या भरते हैं इसमें, 10 ml एयर पुश करते हैं। मैं नॉर्मली रफली बता रहा हूँ यहाँ पे 10 ml, बाकी तो हम ट्यूब की साइज के अकॉर्डिंग, जैसे कि ये है 8 mm की ट्यूब है, तो 8 mm की है तो इसमें 8 mm एयर पुश करेंगे, 8 mm ही भरेंगे, ट्यूब की साइज के अकॉर्डिंग हम एयर भरते हैं, ठीक है। तो 10 ml एयर इसमें पुश करेंगे, जिससे कि वो एक जगह पे बनी रहेगी, फिक्स रहेगी, प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत सारे मैंने इंडिकेशन फायदे बताए, वो आपके सामने रहेंगे, ठीक है। तो ये कुछ सपोर्टिव डिवाइस, बहुत सारे इसके साथ में आइटम्स आते हैं वो है। तो ये रहेगी आपकी क्या, ट्रेकिस्टोमी ट्यूब, ठीक है। तो आपको ये सारी इंफॉर्मेशन समझ में आई होगी, तो आज के लिए इतना सफिशियंट होगा, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।